This program is sponsored by Space Moon City, The Luxurious Life, Sri Rawatpura Sarkar Group of Institution, Jhansi, Sanskar Seva Samarpan, PK University, Build a Great Career at PK University, and co-sponsored by Shyam Raghavendra Degree College, Dhawar, Maurana, Sanghas Seva Samiti, Jhansi, Aapki Seva Mein Samarpan. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीक और मैं हूं प्रियंका। वक्त हो चला है खबर फटाफट का, खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तब तक देखते रहिए न्यूज वीक। संस्कार सेवा समर्पण, शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, बीए और आईटीआई डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन है। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्रामारी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627, 7068280628। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ, पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए, बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, पहली खबर है झांसी से। झांसी में आरएसएमएफ एवं क्षेत्रीय खेल कार्यालय द्वारा आयोजित हुआ डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक, सांसद एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण और मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा किया गया शुभारंभ। स्कूली बच्चों द्वारा जिम्नास्टिक का हुआ प्रदर्शन। जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का किया गया शुभारंभ। डीएम द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र दिगारा विकासखंड बड़ा गांव में फीता काटकर किया गया शुभारंभ। मुख्य बिंदुओं पर होगा ध्यान, महिला और स्वास्थ्य, बच्चा और शिक्षा आदि अन्य व्यवस्थाएं। झांसी पहुंचे मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर। जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्माणाधीन गुलारा ग्राम समूह पेयजल योजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का किया भ्रमण। झांसी के समथर से एक युवक पहुंचे एसएसपी कार्यालय, प्रार्थना पत्र देकर पड़ोस में ही रहने वाले एक दबंग युवक पर लगाया आरोप। कमरे में बंद करके असलहा की नोक पर बनाया था अप्राकृतिक संबंध, दबंगों ने दी धमकी। मऊरानीपुर में छोटे दुकानदारों पर चला पॉलीथीन चेकिंग अभियान, बड़े व्यापारियों पर नगरपालिका मेहरबान। जब्त की गई डिस्पोजल और पॉलीथीन, नगरपालिका कर्मचारियों पर एक तरफा कार्रवाई करने का लगा आरोप। झांसी में तीर्थ यात्रियों की बस को आरटीओ टीम ने हाईवे पर रोका, रात में खत्म हुआ था बस का परमिट। यात्रियों ने नियम अनुसार राशि जमा करने की कही बात, नियमों में उलझा रहे थे विभागीय अधिकारी। मऊरानीपुर में खनन जारी, बालू से भरे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचला, तो वहीं राहगीरों की मदद से पहुंचाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। हालत गंभीर होने पर झांसी किया रिपोर्ट। ककरबाई पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 माह से बांछित चल रहे पिता के हत्यारे कलियुगी पुत्र को किया गिरफ्तार, घटना में प्रायुक्त डंडा भी किया बरामद। झांसी के गरौठा में अवैध खनन जोरों पर, कुएं नुमा गड्ढों से कर रहे हैं खनन। सूत्रों के अनुसार सफेदपोश नेता भी होते हैं शामिल, नियमों को ताक पर रखे कर रहे हैं खनन, प्रशासन बना मौत। बबीना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, थाना प्रभारी वेद प्रकाश पांडे अपने हमराइयों के साथ कर रहे थे गश्त, युवक को भागता देख पुलिस ने दबोचा, 3 किलो गांजे के साथ किया बरामद। बबीना के जय बुंदेलखंड कॉलेज में वितरित किए गए मोबाइल फोन, बबीना थाना प्रभारी निरीक्षक ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। छात्र छात्राओं ने सरकार को दिया धन्यवाद, करीब 200 छात्रों को मिल चुका है मोबाइल फोन। जालौन में फिर दिखा रफ्तार का कहर, 2 अलग अलग स्थानों पर हुई सड़क दुर्घटना, एक दुर्घटना में लड़की सहित 5 लोग हुए घायल, तो वहीं दूसरे में बाइक सवार हुआ दुर्घटनाग्रस्त, उपचार के लिए पहुंचाया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। जिलाधिकारी जालौन ने आकस्मिक किया स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण, मचा हड़कंप, चिकित्सकों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश, दवाओं का स्टॉक, महिला वार्ड और शौचालय का भी किया निरीक्षण। जालौन के किसी भी पशु में नहीं दिखे लंपी वायरस के लक्षण, अधिकारियों ने किया अलर्ट, यूपी के अन्य कई जिलों में फैला है लंपी वायरस।
कालवी में देर रात तक आते रहे भक्तों के घर गणपति आनंदी देवी मंदिर में बिराजी गौरी पुत्र गणेश गाजीबाजी के साथ हुई स्थापना, प्रसाद में बांटे लड्डू। खराब हुई फसलों का दिलाया जाए मुआवजा, ललितपुर में ओबीसी महासभा ने सौंपा ज्ञापन। अधिक वर्षा होने से खेत में जल भराव के कारण खराब हुई खरीफ की फसल, कई लोग रहे मौजूद। ललितपुर में एक विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला रोजगार समिति एवं सेवा मित्रों के हुई बैठक का आयोजन, रोजगार मेला, कैरियर काउंसलिंग एवं सेवा मित्र पोर्टल हेतु निर्धारित कार्य योजना एवं लक्ष्य की पूर्ति से कराया अवगत। ललितपुर में नगर पालिका टीम ने प्रतिबंधित पॉलिथीन बेचने व रखने वालों पर की कार्यवाही, बड़ी मात्रा में जब्त की पॉलिथीन बेचने वालों में मचा हड़कंप, दुकानदार हुए गायब। ललितपुर में प्रगति सेवा समिति की सराहनीय पहल, समिति के सदस्य अनिल राठौर ने जिला अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिला को किया रक्तदान। तो वहीं दूसरी ओर सौरभ शर्मा ने रक्तदान कर अस्पताल में भर्ती मरीज को रक्त की कमी की पूरी, समिति के पूरी टीम रही मौजूद। तो ये थी आज की कुछ खास और ताजा खबरें, खबर फटाफट में कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। संस्कार सेवा समर्पण, शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री राउतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, बीए और आईटीआई डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन लें। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627, 7068280628। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ, पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए, बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड।